कल बड़ा दिन है, कल बहुत बड़ा दिन है। देश की राजधानी दिल्ली की कमान किसको मिलने वाली है, पूरे देश को इसका इंतजार है। एक रात की बात और है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज कौन कौन से मुद्दे हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। हर दिन आपसे कहता हूं अगले एक घंटे 8 से 9 देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबरें हैं जो आपको देखना, जानना, समझना जरूरी है, इस एक घंटे में मैं आपको बताता हूं। इसलिए आज बता देता हूं कि सबसे पहले शुरुआत राजधानी दिल्ली से ही करेंगे। अरविंद केजरीवाल की खड़ाऊं किसको मिलेगी, अब तो आपके नेता केजरीवाल की तुलना भगवान राम से कर दिए हैं। एक तरफ राजनीति हो रही तो दूसरी तरफ नए सीएम के लिए रणनीति बन रही है। पूरी खबर क्या है, अंदर खाने क्या पक रहा है, सब कुछ विस्तार न्यूज के सहयोगी बताने के लिए दो दो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, दो दो रिपोर्टर आपको खबर बताएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश से आई खुशखबरी की। महिला सुरक्षा में मध्य प्रदेश अव्वल है, अपराध आपके प्रदेश में कम हो रहा है, ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है। पूरी खबर डाटा के साथ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। तीसरी खबर में बात छत्तीसगढ़ को मिले एक और सौगात की करेंगे। नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है, कहां से कहां के लिए, कितने घंटे में पहुंचेंगे, सब कुछ जानना चाहते हैं, बने रहिएगा। चौथी खबर में आपको बताएंगे सब्जी का नाम बताओ सरकारी नौकरी पाओ, अजीब गरीब सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग और रोचक है, बने रहिएगा, वो भी दिखाएंगे। पांचवी खबर थोड़ी दुखद है, जादू टोने के शक में 4 दिन में 9 लोगों की हत्या हो गई है, 9 लोगों को मार डाला गया है केवल शक में, बहुत दुखद है। आज भी अगर समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आपको सावधान करना मेरा काम है, पूरी खबर बताऊंगा। छठवीं खबर में आपको रायपुर से आई दिल दहला देने वाली खबर बताऊंगा। बीस शहर में एक लड़की का गला काट दिया गया, हत्या कर दी गई, क्यों, कैसे, विवाद क्या था, यह भी बताऊंगा। और आखिर में आपको एक परेशान करने वाली तस्वीर दिखाऊंगा, जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर है केजरीवाल की जगह कौन लेगा, पत्नी या कोई और, कौन बनेगा मुख्यमंत्री देश की राजधानी दिल्ली का। बहुत दिन से सवाल उठ रहा था अरविंद केजरीवाल कब इस्तीफा देंगे। तारीख आ गई है, नोट कर लीजिए, कल यानी 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बात देश की राजधानी दिल्ली की है तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को इंतजार है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, राजधानी की कमान किसके हाथों में जाएगी। सब कुछ समझा देता हूं, सब कुछ दिखा देता हूं। 3 दिन में दिल्ली में क्या हुआ और क्या होगा, सब कुछ समझ लीजिए। कल यानी 15 सितंबर को केजरीवाल ने 2 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आज आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति PAC की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के 11 नेताओं की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई है, ये आज की खबर है। और अब कल यानी 17 सितंबर को विधायक दल की बैठक में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी और कल शाम तक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा भी दे देंगे। सब कुछ आपको समझा रहा हूं, कल दे देंगे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा। आम आदमी पार्टी ने इस इस्तीफे की तुलना भगवान राम के राजगद्दी त्यागने से कर दी, बताइए। चलिए, राजनीति है, कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है, भगवान राम बना दीजिए, कृष्ण बना दीजिए, शंकर बना दीजिए। बीजेपी कह रही है सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ बेल दी, इसलिए अब मजबूरी में इस्तीफा दे रहे हैं। उधर कांग्रेस कह रही है कि सारा खेल तो हरियाणा चुनाव का है, भाई साहब संदीप दीक्षित ने तो नौटंकी कह दिया है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर हो रही राजनीति पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद खबरों में विस्तार से बात करेंगे। देखिए रिपोर्ट दिखाइए भाई। आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। कुछ नहीं साहब, ये तो सब नौटंकी है। देखिए पहली चीज,
आपको इस्तीफा तब देना चाहिए था जब आप जेल गए। ये कोई सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना था, ये मेवा के लिए बना था। जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि मर्यादा के नाम पे केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आप मुख्यमंत्री नहीं हो, आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते। मतलब एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए उनको सस्पेंड कर दिया मुख्यमंत्री पद से। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। दिल्ली का जितना नुकसान अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया है, कोई इस्तीफा उसकी भरपाई नहीं कर सकता। जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापिस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। खड़ाओं कौन संभालेगा, सवाल तो यही है भाई साहब, कौन संभालेगा केजरीवाल की खड़ाओं। इसी सवाल के जवाब के लिए तो दिल्ली में दो दिन से मंथन चल रहा है, दो दिन से विचार विमर्श चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए जो संभावित नाम है वो भी देख लीजिए। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का भी नाम है, केजरीवाल की भरोसेमंद है, अधिकारियों से अच्छा तालमेल है। मंत्री कैलाश गहलोत के नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। तीसरा नाम है जो राम से चर्चा कर रहे थे, दिखाई दे रहे थे आपको, नाम है सौरभ भारद्वाज का। हेल्थ समेत कई विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तेज तर्रार मंत्री और प्रवक्ता की छवि है। चौथा नाम दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का भी है। और हाँ, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देखा था आपने, आपको याद होगा जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए थे तो उनकी पत्नी राबड़ी यादव को बिहार की कमान सौंपी गई थी और राबड़ी यादव मुख्यमंत्री बनी थी। इसलिए यह भी कयास लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है। अगर पत्नी मुख्यमंत्री बनी तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री आवास भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। बहुत मन से बनाया है भाई, बहुत पैसा लगाया है, खूब पैसा खर्च हुआ है, उस पर भी अलग विवाद है। आज उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी कुर्सी की बात हो रही है। और इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे के बाद पार्टी के किसी बड़े नेता को मुख्यमंत्री बना दिया तो क्या गारंटी है कि अगर पार्टी दोबारा जीतती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी आसानी से मिल जाएगी। दो उदाहरण आप देख लीजिए। विस्तार न्यूज है, जब कुछ खबर बताते हैं तो विस्तार से बताते हैं। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जब हटे तो नाराज हो, गुस्सा हो, अलग पार्टी बना ली। अभी हाल ही में हुए झारखंड का मामला देख लीजिए, हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन जब वापस लौटे तो चंपाई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। और हुआ ये कि सालों से सोरेन परिवार के करीबी चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन का साथ छोड़ दिया और कहां शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए। बस इसीलिए ऐसा संभव है कि केजरीवाल अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हरियाणा चुनाव के बीच केजरीवाल के इस्तीफे से हलचल मच गई है, इस्तीफे की खबर से। इस्तीफा कल देंगे जैसा कि केजरीवाल ने मंच से कहा था। हरियाणा में जाट वोटर्स की अहम भूमिका है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जाट वोटर्स को साधने के लिए कैलाश गहलोत को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये सब कयासों का बाजार है भाई साहब, सब कोई चर्चा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप देख लीजिए। और अब तो हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को ही मुद्दा बना दिया। केजरीवाल की पत्नी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनाइए। आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार में उनकी परवरिश हुई, पिताजी हिसार में नौकरी करते थे, बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं आपके बीच रिक्वेस्ट लेके आया हूं कि इस बार आने वाले चुनाव में आप अपने हरियाणा के लाल केजरीवाल जी को एक मौका दीजिए। आपने सबको मौका देके देखा है।
बढ़िया बोलने लगी हैं सुनीता केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी अफसर रही हैं, कितना बढ़िया भाषण दे रही हैं। कह रही हैं हरियाणा के लाल, खूब गूंज है हरियाणा चुनाव में, इन शब्दों की खूब गूंज है। अब देखना है हरियाणा चुनाव में इसका असर क्या होता है। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 10 साल से ज्यादा सत्ता संभाली हो, अब इस्तीफा दे रहे हैं तो दिल्ली की जनता क्या सोचती है, वो भी सुनाना जरूरी है। सुन लीजिए भाई, दिल्ली की जनता जिन्होंने वोट देकर सिंहासन दिया, उस सिंहासन को छोड़ने पर क्या कह रही है, जनता को सुनाना जरूरी है, सुनाइए। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के किसी नेता पॉलिटिशियन में इतना दम नहीं है कि वो देश को सच बता सके कि अदालतों ने उन्हें बरी नहीं किया है, जमानत दिया है, वो बड़े डंके की चोट पर बड़े चोर हो सकते हैं, डकैत हो सकते हैं, 100 करोड़ के रिश्वतखोर हो सकते हैं, अभी ये अदालतों में साबित होना बाकी है। असल क्या है ना, देखो थोड़ा बहुत भला सोच दिया दिल्ली वालों, ठीक है थोड़ा शराब फ्री बांट दी, क्या दिक्कत हो गई, आखिर दिल्ली वालों को ही तो बांटी है ना। अब दिल्ली वालों की जनता की अदालत में जाएंगे, जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगी। ये केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है, अभी कितने महीने, 3 से 4 महीने बचे हुए चुनाव को, अब इस्तीफा देना ना देना ना के बराबर है। मैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करता, आने वाले टाइम में देख लेना केजरीवाल धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। जैसे लालू राज में 2003 में किया गया था, वैसे ही इसमें जैसे उन्होंने अपनी बीवी को बनाया था, सेम ये सुनीता केजरीवाल को भी ऐसे ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि पता है इनको अगर दूसरे को ये सीट दे देंगे ना, तो जो इनका आवास है ना वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति PAC की बैठक खत्म हो गई है। दिन भर दिल्ली का माहौल क्या रहा, ये सब विस्तार से जानना चाहते हैं तो चलिए सीधे दिल्ली ले चलता हूं। और दिल्ली से कौन कौन जुड़ रहा है, एक तरफ है अमृत तिवारी और दूसरे तरफ है आदर्श सिंह। ये दिन भर आपको पता है ये दिन भर क्या क्या किए हैं, क्या क्या नया अपडेट है, क्या इन्होंने देखा है, कहां कानाफूसी हो रही है, मुख्यमंत्री के बंगले में कौन नेता जा रहा है और किसको रात को अंधेरे में बुलाया जा रहा है, सब कुछ जानना चाहते हैं। ये दोनों मेरे सहयोगी वहीं टहल रहे हैं। सबसे पहले अमृत तिवारी, आपके पास आ जाता हूं। केजरीवाल आ गए हैं वाला बोर्ड आपके पीछे दिख रहा है और मोदी का कालोल भी दिख रहा है, आप ही बता दीजिए कि क्या चल रहा है और क्या दिमाग पढ़ पाए हैं, अंदर खाने क्या खबर है, पत्नी या कोई और। अमृत तिवारी, देखिए ज्ञानेंद्र जी, यही सवाल सबके मन में है, जो पत्रकार बिरादरी आज उनके आवास पे थी, सबके मन में यही सवाल उठ रहे थे, हर कोई यही कोशिश कर रहा था कि कहीं से खबर निकल कर आ जाए कि CM कौन बनेगा। लेकिन ये जो बात अभी भी सस्पेंस के तौर पे रखी गई है, जो बातें सामने आ रही थी कि ये अरविंद केजरीवाल के साथ जो सबसे पहली मीटिंग होती है, राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया पहुँचते हैं दोपहर के दौरान, और उस बैठक में ही कमोबेश सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं कि अगला CM कौन बनेगा। जब पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग शुरू होती है 5:30 बजे, तब इन उस बैठक में जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठ करके नाम को लेकर चर्चा होती है। इस बैठक में चूंकि कश्मीर के डोडा में संजय सिंह पहुंचे हुए थे तो वो मौजूद नहीं थे, संदीप दीक्षित नहीं पहुंचे थे क्योंकि वो हरियाणा में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन जो बाकी तमाम नेता थे उनके साथ बैठ के बातचीत हुई। जब बातचीत खत्म हुई, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के जो जिम्मेदार नेता सौरभ भारद्वाज आते हैं, उनसे सवाल किया गया कि आखिर कौन होगा, किन नाम पर चर्चा हुई, उन्होंने भी साफ लहजे में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा देखिए जो बैठक हुई थी उसमें बातचीत 1-to-1 हुई है, यानी अरविंद केजरीवाल ने एक एक को अपने पास बुला करके बातचीत किया, उनसे मशवरा किया, राय लिया, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि सार्वभौमिक तौर पे सबके साथ क्या उन्होंने बातचीत की है। ठीक है, आखिर में जो बात लबोलुआब निकल के आ रही है, अमृत जी आ रहा हूं, आखिर का जो लबोलुआब है वो सब तैयार रखिएगा, आ रहा हूं आपके पास। लेकिन आदर्श सिंह लखनऊ से दिल्ली पहुंचे हैं, मनोज तिवारी को पकड़े थे, बीजेपी क्या कह रही है, और दिन भर दिल्ली शहर के सड़कों में घूमने के बाद, आम आदमी पार्टी के दफ्तर घूमने के बाद, बीजेपी के लोगों से बातचीत करने के बाद, क्या कह रही है दिल्ली और क्या कह रहे हैं विपक्ष के लोग। आदर्श, ज्ञानेन जी बिल्कुल, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली का माहौल गर्म है और खासतौर पर बीजेपी के लिए सुनहरा अवसर है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और इसमें में बीजेपी इसको प्लस पॉइंट के तौर पर देख रही है। बीजेपी सिर्फ ये चाहती है कि वो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएं जिस पर वो कमेंट कर सके, कटाक्ष कर सके और आने वाले दिनों में उनको घेर सकें। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने के बाद जो फैसला उन्होंने लिया है, निश्चित तौर पर उससे सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा। और खासतौर पर मनोज तिवारी की हम बात करें तो पिछली बार भी जो बिहार और यूपी
यूपी पूर्वांचल के वोटर्स हैं उनके दम पर वो मुख्यमंत्री बनने की राह पर लगे हुए थे कि कहीं अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। और उन्होंने बड़ा कमेंट किया है कि दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुमराह किया है, 3 महीने पहले अगर उन्हें इस्तीफा देते तो ज़्यादा बेहतर होता। और ख़ासतौर पर अगर हम आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें तो जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, चाहे हम संजय सिंह की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, अतिशी मरलिनी की बात करें, ये सभी लोग फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन सुनिए ठाकुर साहब, सुनिए एक लब्बो लुआब अमृत तिवारी के पास है, लब्बो लुआब अमृत जल्दी बता दीजिए, फिर मैं दूसरी खबर की ओर जाऊं। लब्बो लुआब की बात कर रहे थे आप, बता दीजिए जल्दी। देखिए लब्बो लुआब यही है कि जिस तरह से हर आम आदमी पार्टी के खेमे से एक बात निकाली जा रही है और फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये फला व्यक्ति रेस में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो तय कर चुके हैं, जेल से आने के बाद ही तय कर चुके थे। वो सिर्फ अपने लोगों को बता रहे हैं कि देखिए मैं इनके नाम को डिसाइड करने जा रहा हूं, और आज दो पैर में उस पर मुहर भी लग गई है। कहा यह जा रहा है कि नाम वही सामने आएगा जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ऐसे टहलते रहिए भाई, आपस में दोस्ती कर लीजिए और दिल्ली में ही टहलते रहिए और एक दूसरे से मिलते रहिए। अंदर की कुछ खबर होगी तो विस्तार से बता दीजिएगा, मुस्कुराइए नहीं, दोस्ती कर लीजिए। चलिए अगली खबर क्या है भाई। महिला सुरक्षा में अव्वल मध्य प्रदेश। देखिए महिला सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल हो रखा है। पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा एक लेडी डॉक्टर के साथ जो अपराध हुआ, उसके बाद पूरे देश में डॉक्टर सड़क पर आ गए। हर दिन आपको अपराध की खबर दिखाता हूं, कोशिश करता हूं कि समाज में ऐसा ना हो, इसलिए हर दिन सावधान करता हूं। हत्या, डकैती, लूट, चोरी, रेप, गैंगरेप, दुख होता है बताते हुए, तकलीफ होती है, लेकिन आज बड़ी खबर है, अच्छी खबर है और आपके प्रदेश के लिए सुकून देने वाली खबर है। मध्य प्रदेश में अपराधों में कमी आई है, अच्छी बात है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी MCRB ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में हो रहे अपराधों को लेकर पूरी रिपोर्ट बनाई गई है। इसी रिपोर्ट में पता चला है कि साल 2023 के मुकाबले 2024 के 7 महीनों में यानी 2024 के जनवरी से 31 जुलाई 2024 तक में मध्य प्रदेश में कुल अपराध 3.53% घटे हैं। सब कुछ समझाने के लिए आपको स्क्रीन में विस्तार से दिखा देता हूं। आपको पता है, जानते हैं, सबसे ज्यादा कमी गंभीर अपराधों में आई है। डकैती में 51.56% की कमी आई है। मध्य प्रदेश में लूट में भी 23.22% की कमी आई है। साथ ही हत्या जैसे गंभीर मामले में भी पहले की तुलना में 7.15% कम हुए। महिलाओं से संबंधित अपराधों में 7.91% कमी आई है। गैंगरेप के मामले में भी 19.1% कमी आई है। साथ ही बच्चों के खिलाफ अपराध यानी पॉक्सो एक्ट भी 14% कम हुए और दुष्कर्म के मामलों में 10.22% की गिरावट आई है। अच्छी खबर। अपराध में कमी लाना मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कामयाबी है। और याद रखिएगा, जब कोई अच्छी सफलता होगी प्रदेश के लिहाज से, आपके लिहाज से, अगर आप सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, तो भर भर के तारीफ करेंगे। किसकी? सरकार की और सिस्टम की। इस मामले पर भोपाल के कमिश्नर क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए भाई। बड़े अगर अपराधों में, खासतौर पर जो संगीन अपराध हैं, जिसमें कि लूट, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं हैं, महिलाओं से सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, ऐसे मामलों में अगर कमी आए तो यह जनता में एक बढ़ते सुरक्षा की भावना को दिखाते हैं और खास तौर पे महिला अपराधों में बड़ी तेजी से कमी आना। इसी तरह कई जो संगीन अपराध हैं, यहाँ भी कमी आई है, लगभग बड़े जितने भी अपराध हैं। तो यह एक बेहतर, लगातार अगर पुलिस होती है, तत्परता से कार्रवाई होती है, तो निश्चित तौर पे इसका एक सकारात्मक असर होता है और इस तरह के अपराधों में अनिवार्य रूप से कमी आती है और यह उसी का परिणाम। कमिश्नर साहब कह रहे हैं त्वरित कार्रवाई से अपराधों में कमी आई है, जल्दी जल्दी कार्रवाई करना भी चाहिए। इन संगीन अपराधों में आई कमी को दो प्रमुख वजह हैं जिसकी वजह से कमी आई है। पहली वजह है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख। दूसरी वजह है मध्य प्रदेश पुलिस का ग्राउंड पर मौजूद रहना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर DGP से लेकर सभी अफसर लगातार सड़कों पर उतरते रहे, ये बड़ी वजह है जिससे अपराधों में गिरावट हुई। यही वजह है, ये दो मुख्य कारण है। अपराध कम हुआ है, अच्छी बात।
बार बार कह रहा हूं। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा कह रहे हैं संवेदनशील मुख्यमंत्री और त्वरित कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वजह से ऐसा संभव हो पाया है। रिपोर्ट कैसी भी आए कांग्रेस विपक्ष में है तो ठीक तो नहीं ही कहेगी, कह रही है ये सब किताबी दावे। सुन लीजिए कांग्रेस के लोगों को सुनाई भाई। हम पहले दिन से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस के साथ जो काम हमारी सरकार कर रही है, तो ये जो आपने कहा है कि क्राइम के डाटाज में भी आज ऑन रिकॉर्ड कमी आई है क्योंकि त्वरित कार्रवाई हो रही है, गुंडे और अपराधी बचेंगे नहीं, सुन लें, जेल जाने में देर नहीं लगती है। एनसीआरबी का डाटा देखिए आप, एनसीआरबी के डाटा बता रहा है कि मध्य प्रदेश में अपराधों की संख्या बढ़ी। मुख्यमंत्री जी आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आपने अपराधों की पंजीबद्ध होने की संख्या कम कर दी है, आपने उन महिलाओं पर अपराध हो रहे वो थाने में रजिस्टर्ड नहीं करे रहे। ये तो नेता है भाई साहब, और अगर विपक्ष में है तो विरोध तो करेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश में अपराधों में आई कमी पर मध्य प्रदेश की जनता क्या कह रही है? देखिए मैं हर बार जनता को जोड़ता हूं क्योंकि सब कुछ जनता के लिए ही होता है, जनता ही चुनती है, जनता को ही नफा और नुकसान होता है। जनता क्या कह रही है भी सुनाइए। हाँ, कमी तो बहुत आई है पहले से, और उसके दौरान जो अपराध हो रहे थे जिस हिसाब से प्रशासन ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए इनमें कमी की है, उसके लिए ये भी बहुत सराहनीय काम है शासन के लिए। जो हमारा प्रशासन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है महिलाओं के प्रति भी और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी। क्राइम रेट जो कम हुआ है मोहन जी यादव के मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, वो बहुत अच्छी खबर है। आंकड़े कम हो रहे हैं तो ये तो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, हम जितना ज़्यादा अपने आप को सेफ फील करें। मध्य प्रदेश में जो क्राइम के आंकड़े हैं वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मेल फीमेल सभी को समाज में भी और इंस्टीट्यूट्स में भी, जिससे जागरूकता बढ़ी है। गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे कई जगह इस तरह के प्रोग्राम्स कराती है तो जागरूकता बढ़ने के कारण क्राइम कम हुआ है। महिलाएं सुरक्षित रहें और बेखौफ रहें, ये कौन नहीं चाहता, और अगर सरकार ऐसा चाह रही है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर क्या है? अच्छी सड़क के लिए गंदी हो गई मां, बताइए ये क्यों लिखना पड़ रहा है? ये बहुत दुखद खबर है, बहुत परेशान करने वाली खबर है। कीचड़ पर अगर आपका पैर ऐसे पड़ जाए तो आप क्या करते हैं? आप तत्काल पोछते हैं कि नहीं पोछते हैं, या पानी ढूंढने लगते हैं कि पानी कहाँ है? आप सोचिए, कोई माँ अगर कीचड़ में सन जाए, कीचड़ में लेटने लग जाए, तो ये कोई सामान्य बात तो नहीं हो सकती ना। कितनी मजबूर हुई होगी एक माँ, कितनी बेबस होगी एक मां, कितनी बेबस हुई होगी जिसकी वजह से उसे कीचड़ में सनने के लिए मजबूर होना पड़ा। विस्तार न्यूज ऐसा नहीं होने देगा, हम किसी मां को ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसी समस्या को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए हम हमेशा सबसे आगे रहते हैं। ऐसी ही एक बेबसी की कहानी आज आपको दिखाऊंगा, तकलीफ देने वाली कहानी है। आप कीचड़ में लेट सकते हैं? मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कीचड़ और गोबर में आप लेट सकते हैं? नहीं ना, अरे भार बिल्कुल नहीं लेट सकते हैं, कोई नहीं कर सकता ऐसा, कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा हुआ है, एक मां को यह सब मजबूरी में करना पड़ा है। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, वीडियो में एक महिला कीचड़ में लेटकर परिक्रमा करते हुए नजर आ रही है। वीडियो देखने के बाद दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आया वो ये है कि आखिर ये महिला ऐसा क्यों कर रही है? खोजबीन करने पर पता चला कि वीडियो मध्य प्रदेश के शिवपुर का है और महिला के गांव में सड़क में। वीडियो देखते ही मैंने सबसे पहले अपने सहयोगी को महिला के पास भेजा और पूरी जानकारी लेने के लिए कहा, और कहा कि पता कीजिए और जिम्मेदारों से बात कीजिए कि आखिर क्यों इस महिला को सड़क के लिए कीचड़ में लेटना पड़ा है, कीचड़ में लेटना पड़ा। जब हमारे सहयोगी महिला के पास पहुंचे तो क्या क्या हुआ सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो बात जान लीजिए जो मुझे सबसे ज्यादा चुभी है। पता है महिला ने क्या कहा? आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं?
महिला ने कहा कि मुझे कीचड़ में लौटने में कोई शर्म नहीं आई। शर्म आनी चाहिए सरपंच को, शर्म आनी चाहिए सचिव को, जिनकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। सुनिए महिला क्या कह रही है, उसके बाद आगे की खबर बताऊंगा। सुनाइए। गंदगी भी है वह तो, बहुत गंदगी है, दलदल है, पानी भी है, सही काम है यार। मुझे तो एक स्थान पे जाना था, मैं तो जा ही रही। अतो शर्म लगे सबसे सरपंच सेक्रेटरी का जी, मुझे शर्म नहीं है, मैं तो इस स्थान पे जा ही रही। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आना चाहिए माँ, बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। शर्म आना चाहिए सरपंच को, शर्म आना चाहिए उस सचिव को और उन जिम्मेदारों को जिनकी वजह से आपको कीचड़ में लेटकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमारे सहयोगी हेम तिवारी जब खोजबीन करते हुए पहुंचे तो पता चला कि महिला एमपी के शिवपुर के करहाल की रहने वाली है और महिला के गांव में सड़क नहीं, सड़क तो छोड़िए गांव में चलने लायक जगह नहीं है, गलियों में केवल कीचड़ है और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, मतलब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। और जब गांव की जानकी बाई बहुत परेशान हो गई तो सड़क बनवाने के लिए सरपंच के पास गई, सरपंच ने नहीं सुना तो पंचायत सचिव के पास गई, सचिव ने भी नहीं सुना तो कलेक्टर के पास भी गई, लेकिन सड़क नहीं बन पाई, सड़क नहीं बन पाई। और जब जानकी बाई की सारी उम्मीदें खत्म हो गई तो आखिरी उम्मीद लेकर भगवान के दर पर जा रही थी कि इनको सद्बुद्धि दो, और लेट कर दंडवत परिक्रमा करते हुए जा रही थी, भगवान के दर पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर व्यवस्थाएं भी भगवान भरोसे ही चल रही, तो जानकी भी भगवान के पास पहुंच गई। हमारे सहयोगी जब पहुंचे तो क्या क्या देखा, जानकी ने क्या कहा, पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे देखेंगे, आगे बताएंगे कि जिम्मेदार क्या कह रहा है। दिखाइए सुनाइए। दंडवत देते समय कीचड़ भरे रास्ते से गुजर रही हैं, वो यही रास्ता है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रास्ता आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं साफ तौर पर कि ये रास्ता नहीं दलदल है। क्यों गई थी आप दंडवत? अब जाएंगे का जो सरपंच सेक्रेटरी कोई हमारी सुनवाई नहीं करा तो जाएंगे हम तो हैं? हम तो जाना है ना मंदिर पे, तो जाएंगे नहीं हैं? तो मंदिर पे तो इसलिए जाएंगे, चाहे गंदगी हो चाहे कुछ मच्छर का है चाहे कीड़ा का है, कुछ काम ही नहीं कर रहे तो हैं। और कलेक्टर साहब के भी गए एक बार तो कलेक्टर साहब ने मैंने कोई यहाँ हो जाओ काम ऐसे ही भगा देते, और जो सरपंच सेक्रेटरी का जाता है तो वे भी कह देते कि हाँ हो जाओ काम, कुछ नहीं हो रहा काम तो जा मैं। ये समझता है सर, 24 घंटा यही पानी भरा हुआ रहता है इसमें, कभी भी आ जाओ कभी भी देखो। जिम्मेदार अधिकारियों से आपने शिकायत नहीं की है क्या? शिकायत सर सबको कर दी, कम दो तीन साल हो गए शिकायत करते कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कम से कम आम रास्तों को तो इतना साफ सुथरा बना देना चाहिए कराल में जिससे आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, बहुत ही गलत हो रहा है, कार्रवाई होना चाहिए इस पर। जानकी बाई महिला है, एक माँ है, और एक माँ को सड़क के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा, कीचड़ में लौटने को मजबूर होना पड़ेगा, तो जानकी ने ठीक कहा कि सरपंच जी शर्मानी चाहिए आप, सचिव जी शर्माना चाहिए आप। उधर SDM साहब का कहना है कि सड़क बन जानी चाहिए थी लेकिन नहीं बन पाई, CO को कह दूंगा बनवा दूंगा। सुन लीजिए SDM साहब क्या कह रहे हैं, आप सड़क तो बनवा देंगे, लोगों का जीवन आसान होगा, लेकिन माँ का कीचड़ में लौटना लोग कभी नहीं भूलेंगे। SDM साहब सुनाइए क्या कह रहे हैं। SDM साहब ये कि अभी तक इसमें CC रोड का निर्माण नहीं किया गया है जिससे पानी भर रहा है और कीचड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। मैं अभी CO जनपद पंचायत को बता रहा हूँ इस संबंध में, तो तत्काल इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है और तत्काल इसमें नाली निर्माण और CC रोड का निर्माण कराएगा। SDM साहब ये विस्तार न्यूज है, आपकी मुस्कुराहट को चिंता में बदल देंगे, और बदलेंगे कौन, आपके जिले के कलेक्टर। कल मेरा रिपोर्टर
जिले के कलेक्टर के पास जाएगा, वीडियो दिखाएगा और पूछेगा, कहेगा कि कलेक्टर साहब, एक मां इस तरह से कीचड़ में सन जा रही है, कीचड़ में लौटने के लिए मजबूर है। क्यों पता है? क्योंकि उसके गांव में सड़क नहीं है, वो हार गई है, सिस्टम से थक गई है, सचिव सरपंच से थक गई है, आपके प्रशासन से थक गई है, इसलिए भगवान के पास जा रही है और गुहार लगा रही है। कल कलेक्टर से मेरा सहयोगी यही सवाल पूछेगा, इसी कहानी को दिखाकर पूछेगा, इसी कहानी को दिखाकर पूछेगा। यह तस्वीर शर्मसार कर रही है पूरे सिस्टम को, यह तस्वीर तकलीफ दे रही है। यह खबर नहीं है, यह खबर नहीं है मेरे लिए, यह खबर नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको इसी तरह से खबर डूब कर दिखाना होगा। कल कलेक्टर से सवाल पूछेंगे और फिर दिखाएंगे सीधे मुद्दे की बात में। जब तक सड़क नहीं बन जाएगी तब तक सांस नहीं लेंगे, दम नहीं लेंगे। आपके लिए बड़े काम की खबर है, बता दीजिए भाई क्या खबर है। रायपुर से विशाखापट्टनम अब सिर्फ कितने घंटे में पहुंचेंगे? 8 घंटे में। चमचमाती हुई ट्रेन दिख रही है सामने, फूलमाला स्वागत हुआ भाई साहब, रिपोर्टर भी पहुंचा था हमारा वहां। पूरी खबर बता देते हैं, आपके काम की खबर है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ी सौगात मिली है रेलवे ने छत्तीसगढ़ को, आज बहुत बड़ी सौगात दी है। दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम तक अब रफ्तार का अलग अंदाज देखने को मिलेगा। अब सुबह दुर्ग या रायपुर में ट्रेन पर चढ़िएगा तो उसी दिन दोपहर को विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे। मात्र 8 घंटे में दुर्ग से विशाखापट्टनम की दूरी तय की जाएगी। कितने देरी में? सिर्फ 8 घंटे में। तस्वीर देखते जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाकर दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। वहीं रायपुर में राज्यपाल रमन डेका, बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के सांसद के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ से पहले स्टेशन पर बहुत खूबसूरत माहौल था, ट्रेन को फूलों से सजाया गया था। स्टेशन पर बच्चे हाथ में झंडा लेकर कतार में खड़े थे, मतलब लाइन में। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा था। इस मौके पर राज्यपाल समेत बड़े नेताओं ने क्या कहा है पहले सुन लीजिए, इसके बाद आगे की बात करेंगे। सुनाइए। दूर से विशाखापट्टनम तक की यात्रा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच एक नया सेतु बनाएंगे। अतः मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, जिनकी दूरदर्शी सोच और नेतृत्व में भारतीय रेलवे का यह नया युग प्राप्त हुआ। मोदी जी के 100 दिन के कार्यकाल में ही आज 6 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ हुआ है और इससे छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत सुविधा मिलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिली है। दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलने वाली यह ट्रेन दो राज्यों को जोड़ेगी और जो सफ़र हम अपने पारंपरिक ट्रेनों से करते थे 12 से 14 घंटे में, वह हमें 8 घंटे में वो सफ़र तय होगा, तो एक बड़ी सौगात है। हाँ हाँ मंत्री जी, बड़ी सौगात है, 100% बड़ी सौगात है। आज सुबह से आपको इसीलिए तो हर तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा मौके पर मौजूद थे, आपको सब कुछ डिटेल में दिखा रहे थे, अधिकारियों से बात कर रहे थे, पैसेंजर से उनका अनुभव जान रहे थे। देख लीजिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, दिखाइए भाई। ट्रेन को पूरे आकर्षक ढंग से सजाया गया, हाईटेक सुविधा, ऑटोमेटिक डोल क्लोजर, डोल ओपन सिस्टम यहां पर लगा हुआ है और इसे एक कड़ी जो है वो अपग्रेड किया गया है। एक ये गाड़ी चलाने का है, आगे पीछे करना, इसको घुमाना करता, आगे करता जाएगा, पीछे करो पीछे जाएगा। हमें बहुत ही गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में इतना बेहतरीन ट्रेन चल रहा है, देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और ये उसका प्राइम एग्जाम्पल है। बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, लग्जरी के मामले में बहुत बेहतर है वंदे भारत ट्रेन, स्पीड के मामले में तो पूछिए। जहां एक्सप्रेस ट्रेनों को दुर्ग से विशाखापट्टनम जाने में 13 से 14 घंटे का समय लगता है, वहीं अब वंदे भारत एक्सप्रेस बस 8 घंटे में पूरी दूरी तय कर लेगी। समझ रहे हैं, घंटों की बचत होगी, घंटे बचेंगे आपके, समय बचेगा। दुर्ग से जब सुबह सुबह 5:45 बजे गाड़ी चलेगी तो रायपुर, महासमुंद, विजयनगरम समेत 8 स्टेशन पर रुकते हुए विशाखापट्टनम 1:45 बजे पहुंच जाएगी। दुर्ग से विशाखापट्टनम का अनुमानित किराया 1150 से 2410 रुपए तक बताया जा रहा है। 16 बोगी हैं वंदे भारत ट्रेन में, जिसमें एक बार में 1128 लोग सफ़र कर सकते हैं। कोच में लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग के अलग अलग पॉइंट उपलब्ध कराए गए हैं।
ट्रेन में गर्म और ठंडे दोनों तरह का पानी मिलेगा आपको। वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने परोसे जाएंगे। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्या क्या मिलेगा सब कुछ जान लीजिए। स्पेशल चेयर, वैक्यूम टॉयलेट, CCTV, GPS जैसी बहुत सारी सुविधा दी गई है। ट्रेन सब कुछ विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि आपके काम की खबर है, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है, बार बार कह रहा हूँ। वंदे भारत चलने से यात्री कितने खुश हैं, छत्तीसगढ़ के लोग क्या कह रहे हैं, ये भी तो जानना सुनना समझना जरूरी है। सुनाइए भाई, लोग क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि वंदे भारत ट्रेन जो कि सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन इस देश में है, और उनके आने के बाद लगातार ये छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिली है। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा। ट्रेन काफ़ी लग्जीरियस है, ऐसे लग रहा है कि फ्लाइट में बैठे हैं, मतलब इसकी सीटिंग वैसे है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया ट्रेन है, लगभग फ्लाइट का जो है अनुभव हो रहा है यहाँ पर, और निश्चित रूप से जो है इस ट्रेन के चलने से जो है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के व्यापार में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ेगा, पर्यटन पे भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा ऐसा अनुमान है, तो व्यापारिक दृष्टि से जो है भी यह ट्रेन जो है वो सर्वसुविधायुक्त है। पैसा ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं इस ट्रेन के चालू होने से। अच्छा है, ट्रेन में अगर फ्लाइट की मौज मिल रही है तो मौज की बताइए। एक तरफ सरकार इतनी लग्जरी सुविधा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर मारा जाता है, शीशे तोड़े जाते हैं। यही वंदे भारत ट्रेन जब 13 सितंबर को ट्रायल रन में चल रही थी तो बागबाहरा स्टेशन पर पथराव किया गया, जिससे ट्रेन के शीशों में दरारें आ गई थी। खैर, प्रशासन ने तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ऐसी घटना शर्मसार करती है। आप ही के लिए तो सुविधा है भाई, क्या है पत्थर पत्थर मारते हैं, मत कीजिए ऐसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। वंदे भारत ट्रेन को तेज रफ्तार से दौड़ने दीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी योजना जब धरातल पर उतरेगी तभी छत्तीसगढ़ विकास के रफ्तार पर तेजी से भागेगा। समझ गया? तो पत्थर वत्थर नहीं मारना है, सुविधाएं दे रही है सरकार, तो बढ़िया से उसका आनंद लीजिए। चलिए अगली खबर क्या है भाई, अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं कब पहुंचेंगी, इन गरीबों की खबर प्राइम टाइम में कौन दिखाता है? ये जहां खाना बना रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जहां से पानी लेके आ रहे हैं, वहां जानवर टहल रहे हैं, ऐसे खपड़ैल घर कौन दिखाता है? अरे सबको TRP चाहिए होती है भाई। विस्तार न्यूज है, हमारी टैगलाइन है आपका अपना चैनल, हम इन्हीं की खबर दिखाएंगे। जब आप परेशान होते हैं तो आपका अपना चैनल आप लोगों तक पहुंचता है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम जिम्मेदारों तक आपकी आवाज पहुंचाते हैं। आज फिर हमारे सहयोगी उन इलाकों में पहुंचे हैं जहां आप परेशान हैं, जहां आप परेशान हैं। आज आपको जबलपुर और अंबिकापुर के अंतिम व्यक्ति की कहानी दिखाएंगे, दोनों ही जगह कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कितनी दिक्कत में हैं, सब कुछ आज विस्तार से बताएंगे। हमारे जबलपुर के साथी दुर्गेश साहू और अंबिकापुर के साथी दिलीप जायसवाल ने आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्या को करीब से महसूस किया है। बैगा आदिवासी और पहाड़ी कोरवा भाइयों की कहानी आज हम उन्हीं की जुबानी में आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे, सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात जबलपुर की। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर दुर्गेश साहू खैरी बैरागी गांव पहुंचे थे, जहां बैगा आदिवासी रहते हैं। सरकार बैगा आदिवासी को संरक्षित करने की बात करती है, जमीन पर बैगा समाज की क्या स्थिति है दुर्गेश साहू की इस रिपोर्ट में देख लीजिए, अंदाजा लगाइए, समझ लीजिए कि किस परेशानी में अंतिम व्यक्ति रह रहा है। दिखाइए, हम पहुंचे हैं जबलपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर खैरी गांव में। आज हम इस गांव में जब हम पहुंचे हैं तो मैं एक घर से निकल रहा हूं, बहुत ही छोटा घर है और आदिवासी परिवार का घर है। क्या क्या सुविधाएं यहां पर पहुंची हैं? घर की कमी है, नाली जो है, जो साफ सफाई, ये सब कमी तो है। निराशन नहीं मिलती, लाड़ी लेने वाले मिलता है, जिन्नी मिलती नहीं, ठोकरे ज़्यादा खाना पड़ता है। कोई वो 5 किलो राशन वाले पीला कार्ड नहीं बन पाया, अदर कास्ट का बन गया उस, लेकिन जो बेगा जाति के लोग हैं उनके नहीं बन पाए। अब बिल्कुल अपने पास में न जगह न जमीन कुछ नहीं, बस मंजूरी भरे उसे। स्थिति ये है कि पढ़े भी हैं लोग बाग, या लड़के बच्चे पढ़ भी लाए हैं, उनकी अभी कोई सुनाई नहीं है।
पढ़े च नहीं है तो कहाँ की नौकरी कर ले। कार्य योजना कुछ जानकारी जैसे मिलता भी है तो पहुँचते पहुँचते वहाँ तक डेटा ही लेप्स हो जाता है। ये भी तो जीवन जीते हैं भाई, ये भी तो रोटी दाल चावल खाते हैं, इनके शरीर में तो लाल खून ही है। योजना रास्ते में ही अटक जा रही है, योजना रास्ते में ही अटक जा रही है, लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तरह तरह की बातें कहने सुनने को मिल रही थी। इसी की पड़ताल करने जब हमारे साथी राशन केंद्र पर पहुंचे तो वहां ताला लटका हुआ था। राशन केंद्र तक पहुंचने का रास्ता भी देख लीजिए, आसपास बारिश का पानी और कीचड़ जमा, देख लीजिए रिपोर्ट, ज्यादा आसानी होगी समझने में। रिपोर्ट दिखाई। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये राशन दुकान है। फिलहाल इस दुकान में ताला डाला हुआ है, तो ये वर्तमान में स्थिति है कि अगर आपको राशन दुकान तक आना है तो ये कीचड़ का रास्ता आपको पार करना होगा। क्या स्थिति है राशन की यहाँ पर? दुकान तो हमने देख ली किस हालत में है, अब मिलता है नहीं मिलता आपको? राशन तो मिलता है लेकिन टाइम नहीं रहता किस डेट में खोलना है, कोई फिक्स डेट नहीं है। कितना मिलता है आप लोग? हमको हमारे जैसे 5 सदस्य 25 किलो हमको मिलता है, और जिस महीना में यदि हमने नहीं ले पाए तो दूसरे महीना में हमको राशन नहीं मिलता। एक दिन 4 घंटा कुल फेरी के लिए खुलेगी, 4-5 घंटा बैरागी के लिए, बाकी दोबारा नहीं खुल सकता। अगर महीने में केवल 4 घंटे के लिए दुकान खुलती है, उस 4 घंटे के दौरान अगर आपने अनाज ले लिया तो ले लिया, वरना आप फिर महीने भर भगवान भरोसे रहे। सोचिए गांव के लिए राशन की दुकान महीने में सिर्फ एक बार खुलती है, वो भी बस 4 घंटे के लिए। कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं, बिना मालिक के फौज। अब आपको अंबिकापुर की तस्वीर दिखा देते हैं, तस्वीर देखते जाइए। मैन पार्ट की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है इसे। हमारे संवाददाता दिलीप जायसवाल जिस बस्ती में पहुंचे थे, इस गाँव में पहाड़ी कोरवा और कुराओं जनजाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं। जितनी बदहाल स्थिति में गाँव की सड़क थी उतनी ही बदहाल स्थिति में लोगों को लोग दिखाई दे रहे थे। देख लीजिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिखाइए थोड़ा टिकरा बस्ती है, उसकी ये कहानी है, वहां की ये सड़क है। रोड ना होने के कारण यहाँ कोई आवास योजना की सरकारी योजना हमें कुछ साधन नहीं मिल पा रहा है। बाहर से जो आते हैं उन लोग तो भरपूर मुस्कुरा के जा रहे हैं सर, लेकिन यहाँ जो है सदियों से जो है उनको यहाँ कोई खुशी नहीं है सर। हमारे पारा में जैसे कि सड़क नहीं है तो हमारे पर जो इसे शादी भी पहुना भी आते तो मन भी बिटी नहीं देते, तो मरीज लोगों को उठा कर ले जाना पड़ता है रोड तक, मेन रोड तक। तो कोई भी बीमार होते हैं तो मतलब हमन ए पार से ओ पार बहुत दिक्कत होते है, और हमारे पर लाइट नहीं है तो हमन अपन से खरीद के हमन तार से लाइट खींचे हैं। विशेष जनजाति जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग पहाड़ी कोरवा के नाम से जो है, वो जंगल के रोड ना है, ना बिजली नहीं, जंगल के दम साइड में घर भी है इनका, तो कुछ उस टाइप से साधन नहीं मिल पा रहा है शासन से। सरकार से हमने मांग करा था कि हमार पर रोड चाहिए, पुलिया चाहिए। आपको पता है एक महिला क्या कह रही थी? महिला कह रही थी पहुना नहीं देते, मतलब शादी नहीं हो रही है गांव में लोगों। सोच लीजिए आप, सड़क और पुलिया को लेकर लोग बहुत आवाज उठा रहे थे, अपनी समस्या बता रहे थे। अभी वाली तस्वीर देखिए, गांव वालों के लिए पीने के पानी का साधन है। ये महिलाएं अपने घरों से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ की खाई के बीच चलते हुए नदी किनारे पहुंचती हैं, तब इन्हें नदी का पानी पीने के लिए नसीब होता है, वो भी ऐसा पानी जिसको पीने से खतरनाक बीमारी हो सकती है। देख लीजिए दिलीप जायसवाल सब कुछ दिखा रहा है। दिखाइए दिलीप पहुंचे हैं बहुत मुश्किल से उन जगहों पर, दिखाइए। साफ पानी का अधिकार सबका अधिकार है, लेकिन मैनपाट का एक गांव है ढोढ़ा टिकरा, और यहाँ पहाड़ी जनजाति के लोग रहते हैं, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, देखिए लोग कहाँ का पानी पी रहे हैं। ये देखिए नदी किनारे छोटा सा
4x3 का एक गहरा छोटा सा खोदा हुआ है, ढूंढी है जिसको यहाँ पे कहते हैं, और यहाँ का पानी ये लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं, देखिए किस तरीके से पानी को पी रहे हैं, और इतना दूषित ये पानी है कि इसको आप हाथ में जब मैं ले रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि पानी कितना दूषित होगा, और जब ये लैब में जाता होगा तब पता चलेगा कि इससे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन बीमारियाँ तो होती हैं ऐसे पानी पीने से। इस नदी के किनारे इस वक्त मैं बैठा हूँ और यहीं का जो नदी है लोग इसी का पानी पी रहे हैं। नदी के किनारे ऐसे छोटे छोटे जल स्रोत कई जगह बने हुए हैं। खूब परेशान होता नदी भर जाती, फिर छोटे छोटे कुआं खोद के पीथन हम, पानी नहीं मिले। सब चीज कर रोड उड को सब कर कमी है, गाड़ी घोड़ा आवे नहीं करे ना बनवे नहीं करे। टाइम हो गया है लेकिन एक ऐसी खबर है जिसके बारे में बताना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बता देता हूं। रायपुर में एक सनकी आसिक ने एक लड़की को मार डाला है, हत्या कर दी है। रायपुर के मरीन ड्राइव में लड़के ने खूब हंगामा किया है, बवाल किया है, भीड़ इकट्ठा हो गई है। देख लीजिए तस्वीर, कितनी भीड़ खड़ी है। एक सनकी युवक ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया। कहां? रायपुर के मरीन ड्राइव में। क्या हो रहा है, कहां है रायपुर पुलिस? युवती की अस्पताल में मौत हो गई, बहुत बड़ी घटना है। रायपुर के मरीन ड्राइव में यह नहीं होना चाहिए था। और मरीन ड्राइव में है, कौन है? मेरा सहयोगी नितेश गर्ग है। कहां खड़े हो नितेश, सब कुछ दिखा दो, बता दो, और समय बहुत कम है इसलिए बहुत संक्षिप्त में बता दो। और मरीन ड्राइव में नितेश, मरीन ड्राइव में घटना नहीं होना चाहिए राजधानी रायपुर में, नितेश जी। बिल्कुल, इस वक्त मैं मरीन ड्राइव में नहीं हूं ज्ञानेन्द्र जी, मैं इस वक्त मेडिलाइफ हॉस्पिटल के बाहर हूं, जहां योगिता साहू जो हैं वो सपनों के साथ, जो उनके सपने थे अब वो उनके साथ ही ऊपर चले गए हैं। रायपुर की फिज़ा ख़राब है, उसी तरह इस खबर ने भी, इस घटना ने भी यहाँ की फिज़ा को ख़राब कर दिया, सनसनी फैला दी है। आप देख सकते हैं ये जो मृतका हैं उनका परिवार है पूरी तरीके से गमगीन है, फ़ोन आ रहे हैं चारों तरफ से, स्तब्ध हैं ये अभी तक महसूस ही नहीं कर पा रहे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। चार बहनें ये हैं, दूसरी बहन के साथ ये जघन्य वारदात हुई है, उनकी ये बड़ी बहन है, और 3:28 पर इनसे आखिरी बातचीत हुई थी और 3:45 पर उनकी बहन की हत्या हो जाती है। क्या बातचीत हुई थी आपकी लास्ट बार जब आपने बहन से बात? मेरे बहन को मैं सुबह कॉल करी, फिर वो कॉल अटेंड नहीं करी, फिर उसके बाद ना दोपहर वो रिटर्न करी। नितेश इनके साथ रही है, जैसा हमारी परंपरा है ना कि जब कोई तकलीफ में हो, परेशान हो, तो हम उसके साथ रहते हैं, उसका ढाढ़स बांधते हैं, कम से कम साथ तो दे ही सकते हैं। उनकी परेशानियों को सुनिए, और अगर कोई मदद हो सके तो उनकी मदद जरूर कीजिएगा। चलिए, आपकी समस्या आपकी तकलीफ को दिखाने के लिए एक नंबर है, और नंबर है 8282824982। अगर आप चाहते हैं कि सीधे मुद्दे की बात, विस्तार न्यूज़ में आपकी खबर चले, तो आप अपनी समस्या परेशानी को यहाँ भेज दीजिए।